हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस लाइव क्लास। सो सभी स्टूडेंट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो, उनका वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो, योर वीडियो इज़ ओके, इट्स इज एक्सेसिबल टू यू। तो जैसे आप कन्फर्म करेंगे, हम डिस्कशन को शुरू कर पाएंगे। सो कर दीजिए कन्फर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस लेसन। तो इसमें जो लेटर ऑफ क्रेडिट है के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एग्जामिन कैसे करना, उनको स्क्रूटिनाइज कैसे करना है, तो इस पार्ट को हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे। तो हम डिस्कस कर रहे थे इनवॉइस को। तो इनवॉइस के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो हम कवर कर चुके थे। इनवॉइस एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है और बेसिक नेसेसिटी है ट्रेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और इनवॉइस को प्रिपेयर करते समय बेनिफिशियरी ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, और प्रिपेयर करते समय या इनवॉइस को एग्जामिन करते समय किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो अभी हम यहां से शुरू करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है। इट शुड बी मेड आउट बाय द सेलर और बेनिफिशियरी एज स्टिपुलेटेड इन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब भी सेलर इसको ड्रॉ करेगा या बेनिफिशियरी इसको ड्रॉ करेगा, तो इसको ड्रॉ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो स्टिपुलेशंस हैं, कंडीशंस हैं, तो उनको माइंड में रखा जाएगा। और ये कंडीशंस डिटेल ऑफ गुड्स को लेकर के हो सकती हैं, क्वांटिटी को लेकर के हो सकती हैं, प्राइस को लेकर हो सकती हैं, वेट या टोटल वैल्यू एटसेट्रा को लेकर के हो सकती हैं, या इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बट इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ड्रॉन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन एलसी। Unless and otherwise specified, it should be in the LC, be made out in the name of applicant or opener in the letter of a creditor. तो ये जो invoice issue की जाएगी किसके नाम से issue की जाएगी, तो ये issue की जाएगी applicant के नाम से। So applicant कौन है? Applicant है buyer या opener of LC. So opener of LC कौन है? Issuing bank, जो basically applicant का bank है। सो बायर का बैंक और बायर, उनके नाम से इनवॉइस इशू किया जाएगा जैसे एलसी में स्पेसिफाइड हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन लेटर ऑफ क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर नॉर्मली गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया होगा। सो इनवॉइस के अंदर भी उसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन जो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड है, तो दैट डिस्क्रिप्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड। इनवॉइस मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, परफॉर्मा इनवॉइस नंबर एंड नंबर ऑफ एलसी अलोंग विद इश्यूइंग बैंक्स नेम। तो इनवॉइस में क्या क्या इंडिकेट करना होगा? ऑर्डर नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट नंबर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर मींस जो सेल एंड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट बना। तो ऑर्डर का डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट जो सेल परचेज का एग्रीमेंट हुआ उसका नंबर। अगर प्रोविजनल इनवॉइस इशू किया गया था तो परफॉर्मा इनवॉइस का नंबर, लेटर ऑफ क्रेडिट का नंबर विद इश्यूइंग बैंक्स नेम। तो ये सारी डिटेल्स इनवॉइस में रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा इनवॉइस शुड नॉट एक्सीड द एलसी वैल्यू। तो इनवॉइस के अंदर जो अमाउंट लिखा है,
सो दैट शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट मैंशनड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट में जो अमाउंट मैंशनड है ये उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल वैल्यू इन द इनवॉइस. द टर्म्स ऑफ सेल सच एज FOB, C&F, CIF मस्ट ऑल्सो बी इंडिकेटेड इन द इनवॉइस. सो सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये टर्म्स मैंशनड होती हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड, या C&F, कॉस्ट एंड फ्रेट, या CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. इन टर्म्स को हम कहते हैं इंको टर्म्स. इंको टर्म्स इंटरनेशनल कॉमर्स के साथ ये रिलेटेड टर्म्स हैं. तो सेल कॉन्ट्रैक्ट में अगर इन टर्म्स को यूज किया गया है तो इनवॉइस के अंदर उस टर्म को इंडिकेट किया जाना चाहिए. सो ये टर्म्स बायर्स एंड सेलर्स के जो राइट्स हैं और उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं अंडर सेल कॉन्ट्रैक्ट, उन सभी को डिटेल प्रोवाइड करती हैं. तो इनका मेंशन किया जाना, इंडिकेट किया जाना, सो दैट विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. और इसके अलावा दूसरे पर्टिकुलर्स जैसे बिल ऑफ लेडिंग का नंबर. सो बिल ऑफ लेडिंग क्या है? तो बिल ऑफ लेडिंग है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट. सो इट इज अ रिसीट ऑफ गुड्स जो शिपिंग कंपनी इशू करती है. जैसे रेलवे से अगर हमने गुड्स को भेजना है तो फिर रेलवे रिसीट होगा. ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू अगर गुड्स को भेजना है तो ट्रांसपोर्ट रिसीट होगा. और शिप के द्वारा अगर गुड्स को भेजना है तो फिर बिल ऑफ लेडिंग होगा. सो बिल ऑफ लेडिंग का नंबर. सो किसी प्रकार के शिपिंग मार्क्स अगर देने हैं तो शिपिंग मार्क्स. और अगर इंपोर्ट करनी है गुड्स और उसमें किसी प्रकार के लाइसेंस की इशू किया गया है तो उस इंपोर्ट लाइसेंस का डिटेल. देन ग्रॉस वेट, नेट वेट, शिपिंग मार्क्स, पैकिंग डिटेल्स. सो ऑल दीज डिटेल्स आर टू बी गिवन इन द इनवॉइस. ये सारी डिटेल्स इनवॉइस में प्रोवाइड करनी होंगी. इफ इनवॉइस इज इशूड फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट अलाउड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. अगर LC में एक्सेस अमाउंट परमिट किया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18B ऑफ UCP. सो UCP अब UCP कहलवाता है, UCPDC पहले कहलवाता था. तो नॉर्मली अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट मैंशनड इन LC. लेकिन अगर LC में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ कहा गया है दैट अमाउंट कैन बी इन एक्सेस ऑफ दैट ऑल्सो, तो अकॉर्डिंगली उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा. देर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जब अमाउंट लेटर ऑफ क्रेडिट के अमाउंट से ज़्यादा हो सकता है. तो अगर उन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अमाउंट इन एक्सेस है इट विल बी ओके, बट अदरवाइज अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनवॉइस के अंदर कितने सारे पॉइंट्स हैं जिनको एग्जामिन करना है. और इसीलिए जो स्क्रूटिनाइज करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनकी स्किल्स, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
एंड आई एम श्योर ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, और अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे एन क्यू टाइप करके, नो क्वेश्चन टाइप कर देंगे, सो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो कर दीजिए कंफर्म बाय टाइपिंग एन क्यू नो क्वेश्चन. मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का. सो ऑल ऑफ यू क्विकली कंफर्म कर देंगे. अब बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर और इनवॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, सो दैट ये सारे कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो अब आप टेस्ट करेंगे अपने आप को. ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हु ड्रॉज इट ऑन द एलसी इशूइंग बैंक. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसको कौन ड्रॉ करता है एलसी इशूइंग बैंक के ऊपर, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए. सो रीड ऑल ऑप्शंस वेरी वेरी केयरफुली. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर को प्रोवाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन के लिए आंसर बनेगा पी. सो बिल ऑफ एक्सचेंज एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है और इसको बेनिफिशियरी ड्रॉ करता है ऑन द एप्लीकेंट और ऑन द इश्यूइंग बैंक. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. व्हेन इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन फॉर इमीडिएट पेमेंट. अगर पेमेंट बेनिफिशियरी को इमीडिएटली चाहिए तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे ड्रॉ करेगा. When it is drawn at site, when it is drawn or acceptance or user's basis, when it is drawn by issuing bank, when it is drawn by the applicant. तो इसमें अगर payment immediately चाहिए तो फिर bill of exchange इनमें से किस तरह से draw करना होगा. Question number टू. So read all options carefully and then try to answer. हर option को carefully read करें और फिर answer provide करें. So अगर ज़रूरत हो तो आप अपने text को जो copy में note किया है उसको देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें memory से answer provide करें. तो क्वेश्चन नंबर टू के लिए आंसर रहेगा ए. व्हेन इट इज ड्रॉन एट साइट. एट साइट मींस ऑन डिमांड. व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स दैट बिल ऑफ एक्सचेंज शुड सेटिस्फाई. कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज को सेटिस्फाई करनी चाहिए. सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए. Should be drawn by issuing bank on the beneficiary. Should be payable at the tenor mentioned in the invoice. Should indicate beneficiary's name and letter of credit number. Should not exceed amount of letter of credit. So, इनमें से कौन सी requirement satisfy होनी चाहिए वो हमने pick up करना है. So read all options very very carefully. तो आंसर बनेगा हमारा D. So A क्यों नहीं है. It should be drawn by issuing bank on the beneficiary. No, it is drawn by beneficiary on the issuing bank. It should be payable at the tenor mentioned in the invoice. No, tenor mentioned in the LC. It should indicate beneficiary's name and LC credit number. No, it should indicate issuing bank's name and LC number. It should not exceed amount of letter of credit. Yes, this is a correct one. Question number four. What is an invoice and who prepares it? Invoice क्या होती है और इसको कौन prepare करता है. तो ये हमारे different option answers हैं.
इट इज़ ए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कैरियर, इट इज़ अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय इशुइंग बैंक, इट इज़ अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय बेनिफिशरी, इट इज़ अ पेमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एप्लीकेंट। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करके एग्जामिन करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 4, सो हियर आंसर इज सी। ये एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है और जिस कमर्शियल डॉक्यूमेंट को बेनिफिशियरी ड्रॉ करता है, बेनिफिशियरी प्रिपेयर करता है। What details should be there in the invoice? Invoice के अंदर कौन कौन सी details होनी चाहिए? Detail of payment terms, और detail of contract terms, detail of goods quantity and value, details of issuing bank's name and LC number। तो क्या details होनी चाहिए? So which details must be there in the invoice? So किस ऑप्शन को हम पिक करेंगे? डिटेल ऑफ गुड्स, देयर क्वांटिटी, देयर वैल्यू एंड इन फैक्ट ये सारी की सारी डिटेल्स ही चाहिए। ऑल दो आंसर सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, अपने आप में ये अप्रोप्रिएट है, लेकिन इसके अलावा बाकी की डिटेल्स प्रोवाइड करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम सिंपली राइटिंग के डिटेल ऑफ गुड्स देनी है तो हम कहेंगे ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, हु मस्ट एन इनवॉइस बी मेड आउट बाय? तो इनवॉइस को इशू कौन करेगा, बनाएगा कौन? इशूइंग बैंक, कैरियर, सेलर और बेनिफिशरी या एप्लीकेंट? तो इनवॉइस कौन बनाएगा, कौन इशू करेगा, कौन प्रिपेयर करेगा? तो इनवॉइस प्रिपेयर किया जाएगा बेनिफिशरी के द्वारा, हेंस आंसर सी। व्हाट शुड द इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीड? इनवॉइस की जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? एलसी वैल्यू से, बेनिफिशियरी के प्रॉफिट मार्जिन से, एप्लीकेंट की क्रेडिट लिमिट से या इश्यू बैंक के अवेलेबल फंड्स से? तो इनवॉइस वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सो व्हाट विल बी द आंसर? सो इट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू मैंशनड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, द एल सी वैल्यू और द वैल्यू मैंशनड इन द एल सी। वट शुड इनवॉइस इंडिकेट? इनवॉइस को क्या इंडिकेट करना चाहिए? ऑर्डर नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, परफॉर्मा इनवॉइस नंबर एंड कैरियर्स नेम, एप्लीकेंट्स नेम एंड क्रेडिट लिमिट, बेनिफिशरीज नेम एंड प्रॉफिट मार्जिन, और ऑर्डर नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, परफॉर्मा इनवॉइस नंबर एंड एलसी नंबर अलोंग विद इशूइंग बैंक्स नेम। तो क्या मेंशन होना चाहिए इनवॉइस के अंदर? क्वेश्चन नंबर 8, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। So here the answer will be D. Order number, contract number, performa invoice number, LC number and issuing bank's number. तो invoice में carrier का name देने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए answer A correct नहीं होगा, answer D will be correct answer. What terms of sale contract should be indicated in the invoice? So जो सेल कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टर्म्स हैं उनको इंडिकेट किया जाएगा इनवॉइस के अंदर। पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी टर्म्स, इंस्पेक्शन टर्म्स या ये सारी की सारी ही मेंशन करनी होगी, इंडिकेट करनी होगी।
So what shall be indicated? So all these things have to be indicated. Sorry, delivery terms have to be indicated. So sale contract के अंदर main part है delivery terms का. So यहाँ पे जो answer है ये सारे के सारे ही mention होंगे, because sale contract के अंदर payment की terms भी लिखी होती हैं, delivery कब होगी कैसे की जाएगी ये terms भी होती हैं, goods को inspect किया जाएगा before dispatch या नहीं ये terms भी लिखी होती हैं. So जो appropriate answer instead of delivery terms alone, तो हम कहेंगे all the above is more appropriate answer. Question number 10. What other particulars should be given in the invoice? बाकी और कौन से particulars हैं जो invoice के अंदर दिए जाएंगे? तो ये हमारे options answers हैं. तो देखिए कौन कौन सी और details provide की जाएंगी. Shipping marks, import license number, inspection details and transport details, payment details and bank charges, all the above. तो और क्या particulars mention किए जाएंगे invoice के अंदर? So it is the shipping marks and import license number. चलिए friends, जिन students का अभी तक like dislike नहीं हुआ है वो like dislike को complete कर दें quickly. अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं लाइव क्लास के अंदर जिन्होंने लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया गया. सिमिलरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं, अगर उनको इसके कंटेंट्स यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक या डिसलाइक को ज़रूर कंप्लीट करना. और इसके अलावा फिर मैं एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा, CIB के अंदर केस स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर हम केस स्टडी नहीं करते तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि CIB पेपर में मिनिमम 50 मार्क्स लेना हमारा टास्क काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. और केस स्टडीज़ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी हमारी ऐप के अंदर. हमारी ऐप के अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं केस स्टडीज़ के, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं. यस, लाइक डिसलाइक मैं वेट कर रहा हूँ, कंप्लीट कर देंगे सभी. अभी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की. सो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग. नॉर्मली अगर ये डोमेस्टिक सेल परचेज है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा या तो रेलवे रिसीट अगर वो रेलवे के थ्रू गुड्स को डिस्पैच किया गया, या वो रहेगा ट्रांसपोर्ट रिसीट अगर वो रोड ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक एट्सेट्रा के थ्रू उसको डिस्पैच किया गया. और बिल ऑफ लेडिंग भी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है जिसको शिपिंग कंपनी इशू करती है. और बिल ऑफ लेडिंग की रिक्वायरमेंट नॉर्मली तब अराइज होती है जब गुड्स डिफरेंट कंट्रीज में भेजनी है और वो भी सी के रास्ते, बिकॉज बिल ऑफ लेडिंग को इशू करती है शिपिंग कंपनी. So bill of lading is a transport document which evidences movement of goods from port of shipment to port of destination. तो ये क्या है? एक transport document है. ये transport document किस चीज का proof है कि goods move हुई हैं, कहाँ से कहाँ तक move हुई हैं. So goods port of shipment जहाँ से उसको डिस्पैच किया गया उस पोर्ट से कौन सी पोर्ट तक? डेस्टिनेशन की पोर्ट तक, जो बायर का डेस्टिनेशन है, बायर का पोर्ट है. और पोर्ट ऑफ शिपमेंट नॉर्मली सेलर का पोर्ट है. सो ये एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है. रिप्रेजेंटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट ऑफ शिपमेंट टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. इट इज रिसीट इशूड बाई द शिप ओनर. तो बिल ऑफ लेडिंग को इशू कौन करता है? शिप ओनर या शिपिंग कंपनी हम कह सकते हैं, या उनके अथोराइज एजेंट.
तो उनके अथोराइज्ड एजेंट भी बिल ऑफ लेडिंग को इश्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल अरेंजमेंट। और बिल ऑफ लेडिंग के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो इनके कंटेंट्स में हमारे पास आता है गुड्स को लेकर के क्वांटिटी, क्वालिटी उसके अंदर नहीं आएगा, गुड्स का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, किस डेट का वो शिपमेंट है और स्पेसिफिक शिप नंबर जिसको हम वेसल कहते हैं और डिलीवर किसको किया जाएगा, सो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बिल ऑफ लेडिंग में मेंशन होंगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, इश्यू कौन करता है और इसके कंटेंट्स में क्या क्या रहेगा। और इसको किस शिप में वेसल में लोड किया गया और ये डिलीवरेबल किस पर्सन को होगा, कंसाइनी को होगा, कंसाइनी मीन्स द पर्सन हुज नेम इज रिटन एज बेनिफिशरी, और उसके ऑर्डर को होगा और शिपिंग कंपनी के जो चार्जेस हैं उनका पेमेंट डिटेल भी होगा। बिल ऑफ लेडिंग शुड बी कंप्लीट सेट ऑफ नेगोशिएबल कॉपीज अलोंग विद ए नंबर ऑफ नॉन नेगोशिएबल कॉपीज एज स्टिपुलेटेड इन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जो बिल ऑफ लेडिंग है वो कंप्लीट सेट होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीट सेट ऑफ नेगोशिएबल कॉपीज, यानी एक से ज्यादा कॉपीज होंगी, अलोंग विद नंबर ऑफ नॉन नेगोशिएबल कॉपीज। और ये भी मेंशन किया जाएगा कि इसकी नॉन नेगोशिएबल कॉपी दो तरह की होंगी, एक नेगोशिएबल कॉपी, एक नॉन नेगोशिएबल कॉपीज, एंड दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जैसा लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा होगा इट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट, उसके मुताबिक ये रहेगा। इट शुड हैव सिग्नेचर्स ऑफ द शिप ओनर और अथोराइज्ड एजेंट, इसके ऊपर सिग्नेचर किसके होंगे जो इसको इशू करेगा, और इशू कौन करेगा, शिपिंग कंपनी, शिप ओनर और द एजेंट। तो अगर वो एजेंट है तो एजेंट शुड बी अथोराइज्ड एजेंट। द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स शुड कॉरस्पॉन्डिंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एलसी एंड एज मेंशन इन द इनवॉइस। जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा वो मैच करना चाहिए व्हाट इज रिटन इन एलसी, जो एलसी में लिखा है, और जो इनवॉइस के अंदर लिखा है। सो ये नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन बिल ऑफ लेडिंग में कुछ और है, लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ और है, या इनवॉइस में कुछ और है। सो इट शुड बी सेम डिस्क्रिप्शन। तो इस डिस्कशन को फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर भी, तो अभी टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हम इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो वीडियो का कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो उसको आप इस ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज दे करके हमें बता सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है
उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं, हम सूटेबली उसको आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।